उधर आशिका मेदिनीपुर में मौजूद हैं, जिनके साथ बीजेपी अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष इस वक्त हमें देख रहे हैं, वहां चलते हैं। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और मिदनापुर के प्रत्याशी दिलीप घोष हमारे साथ हैं। दिलीप दा, सुबह से क्या खबरें मिल रही हैं? खबर तो जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हिंसा बढ़ेगा, भाई का वातावरण बनाया जाए, उसी प्रकार है। हमारे एक कार्यकर्ता का हत्या हुआ है, तो एक बूथ जिन को काल उठा के ले जाया गया, मिसिंग है। बाकी जगह जो बैठने वाले थे उनको डराया जा रहा है। रात से पुलिस भी, स्टेट पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है, दो चार लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो हर प्रकार के प्रताड़ना और हमको डिस्टर्ब करने के प्रयास हो रही है। गोपी बल्लभपुर की घटना के बारे में बताइए, क्या हुआ था? मुझे अभी तो डिटेल्स मालूम नहीं है। हमारे एक बूथ प्रेसिडेंट का मृतावस्था में पाया गया है, उसका छानबीन हो रही है, कैसे क्या हुआ है। स्वाभाविक है कि जहां वो लोग हारेंगे वहां हिंसा पर उतर होंगे। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है, हार रही हैं आप? हार नहीं है, इसलिए मैंने पहले से बोला कि जितना आगे बढ़ेगा चुनाव उतना हिंसा बढ़ेगा, क्योंकि टीएमसी उतना हारेगा और हार के कारण पूरा शक्ति लोग हिंसा के पीछे लगा दिया। तो हिंसा का जवाब क्या हिंसा से दिया जाए? देखिए, ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ के लोग इसका उत्तर देंगे, उनको जो लगेगा ठीक उसी प्रकार करेंगे। तो जिस भाषा में आपसे बात करेंगे उसी में जवाब देंगे? बिल्कुल, हम तो यही जानते हैं, जो भगवान जो जिस फूल से खुश होते हैं उसी फूल से पूजा किया जाता है। तो दिलीप घोष का ये कहना है कि जिस भाषा में वहाँ यहाँ पर तृणमूल उनके साथ जो भी करेगी उसी में जवाब दिया जाएगा।